गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो लेट्स स्टार्ट इंग्लिश वर्क। इंग्लिश में हम कर रहे हैं आज लेसन टू, गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतें। अच्छी आदतें तो आपको पता ही है क्या क्या होती हैं, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। विल यू डू दीज थिंग्स, राइट यस और नो? क्या हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, हाँ या ना हमें बताना है आपको। पक्षियों को हमें दाना डालना चाहिए, यस बिल्कुल, ये अच्छी आदत है। फाइटिंग लड़ाई नहीं करनी चाहिए, नो। बुक्स भी नहीं पढ़नी चाहिए, नो। पानी देना चाहिए पौधों में, यस। ये अच्छी आदतें होती हैं। कुछ और भी हम आपको अच्छी आदतें बताएंगे जो आप अब रीड करेंगे। पेज नंबर 11 है बेटा, अच्छे से रीडिंग भी किया करो। वी शुड हैव गुड हैबिट्स, हमें हमारे पास अच्छी आदतें होनी चाहिए। क्या क्या अच्छी आदतें होनी चाहिए? गुड चिल्ड्रन हैव गुड हैबिट्स, अच्छे बच्चों के पास अच्छी आदतें होती हैं। यू शुड आल्सो लर्न गुड हैबिट्स, आपको भी अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं? गो टू बेड अर्ली एट नाइट, यानी कि रात को आपको जल्दी सो जाना चाहिए। अंडरलाइन टफ वर्ड्स कर रही हूँ मैं आपको, नोटबुक पे राइट करने हैं, वो मैं अलग से करवाऊँगी। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए। ब्रश योर टीथ डेली, अपने टीथ पर ब्रश डेली करना चाहिए। ऑलवेज ईट फ्रेश फूड, हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए। ड्रिंक मिल्क डेली, यानी कि दूध हर रोज़ पीना चाहिए। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। ये गुड हैबिट्स हैं आपकी, ब्रश भी किया करो, खाना अच्छा साफ ताज़ा खाया करो, दूध भी डेली पिया करो। प्रे टू गॉड डेली, भगवान से प्रार्थना हर रोज़ किया करो। ओबे योर टीचर्स, अपने टीचर्स का कहना मानना चाहिए। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए। नेवर लर्न बैड हैबिट्स, कभी भी बुरी आदतें नहीं सीखनी चाहिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना चाहिए। नेवर टेल लाइज, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लाई होता बेटा झूठ बोलना। डोंट प्लक फ्लावर्स, कभी फूल नहीं तोड़ने चाहिए। डोंट राइट ऑन वॉल्स, कभी भी दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए। डोंट फाइट विद अदर्स, दूसरों के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। नेवर थ्रो स्टोन्स एट बर्ड्स, कभी भी पक्षियों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। वो तो बेचारे बोल भी नहीं सकते, इसलिए उनको भी कभी नहीं मारना चाहिए। ये आपका लेसन टू था, आपको रीड भी करना है। टफ वर्ड्स मैं आपको अलग से करवाऊँगी, जो आपको नोटबुक पर राइट करने हैं, और ये आपको रीड ज़रूर करना है, लेसन टू कंप्लीट रीडिंग। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।